गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इशत सीना, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, पाक भारत टाकरा एक बार फिर। एशिया कप पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान भारत के खिलाफ इसी टीम के साथ खेलेगा जिसने बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच खेला था। पाकिस्तान की टीम में 3 फास्ट बॉलर, 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और 3 स्पिनर्स ऑलराउंडर शामिल हैं। फास्ट बॉलिंग के शोबे में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रौफ को फहीम अशरफ सपोर्ट करेंगे। स्पिन डिपार्टमेंट में नायब कप्तान शदाब खान, इफ्तखार अहमद और सलमान अली आगा शामिल होंगे। टॉप ऑर्डर में फखर जमान, इमामुल हक और कप्तान बाबर आजम शामिल हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग करेंगे। पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 का दूसरा मैच आज कोलंबो में भारत के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की कोशिशों से पाक भारत मैच के रिजर्व डे के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने हामी भर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बारिशों के तनाजर में मुतअद्दिद बार एतराजात उठाए थे, जिसके बाद ACC ने रिजर्व डे का फैसला किया है। अगर कल बारिश की वजह से पाक भारत मैच मुकम्मल नहीं होता तो मैच 11 सितंबर को भी जारी रहेगा और वहीं से शुरू होगा जहाँ पर रुका होगा। जी तो नाज़रीन, ये थी क्रिकेट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जिससे हम आपको आगाह कर रहे थे। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए गल्फ पाकिस्तान। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।